अस्सलाम वालेकुम जी। सो ये व्लॉग जो है 2 दिन का व्लॉग है और ये शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है हसन मुझे मांग रहा था चिप्स, और बाकी जो लोग हैं वो बाजार गए हुए थे। सो भाई थे और हसन, इनके लिए मैं बना रही थी चिप्स। और सो ये है, और उमेर जो है अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। सो हसन जो है हेल्प कराते हुए अभी जो है इसकी कटिंग भी इसी जो है व्लॉग में जो है मैं आपको दिखाऊंगी। इसी व्लॉग में हमने इसकी कटिंग भी करवा ली है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो बड़े हुए थे। सो ये देखें जी हसन अपनी चिप्स खाते हुए माशाल्लाह से। और किसी का भी बच्चा देखे, किसी भी कोई चीज़ देखे तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें क्योंकि नज़र इज़ रियल सीरियसली। सो ये देखें अपना जो है वो चिप्स इंजॉय कर रहा है। सो ये है फ्राइडे का दिन और हसन के जो पापा हैं उसको ऑयल लगाते हुए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रहा था तो उनके पास उन्होंने पकड़ के तो उसको ऑयल लगा रहे हैं माशाल्लाह से। और सही ये इंजॉय कर रहे हैं और आज इसकी जी कटिंग भी करवा देंगे क्योंकि इसके बाल जो हैं मतलब शेप इसकी जो है ख़राब हो चुकी है। और इसके अलावा फ्राइडे का दिन बड़ा बिजी होता है क्योंकि हेल्पर नहीं होती तो काम सारा करना होता है और इसके बाद जो है खाना बनाना होता है सफाइयाँ वगैरह करके। सो यहाँ पर जी मैं झाड़ू लगाने लगी थी और बैग की वजह से जो है मैं दूसरे झाड़ू से बैठ के लगा नहीं सकती। सो ये जो है इससे मैं लगाती हूँ क्योंकि खड़े होकर जो है आसानी से लग जाता है। इसके अलावा जो है वो मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद जो है अब मैं उमेर के कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि जुम्मे का दिन है तो जुम्मा पढ़ने उन्होंने जाना था, तो कुर्ता शलवार जो है वो प्रेस कर रही थी। और ये देखें जी हसन माशाल्लाह से कटिंग करवा के आ गया है और अब जो थोड़ा सा इसको मतलब वो डिसेंट सा बच्चा लग रहा है। और यहाँ पे इसको मैंने कुर्ता शलवार बना लिया था, ये जो मिनी माइनर से लिया था ईद पे कुर्ता। सो ये कुर्ता जो है मैंने पहनाया है इसे। उसके बाद जी फ्राइडे है और मतलब काफ़ी लेट हो गया था और गैस भी बिल्कुल कम हुआ था। सो यहाँ पर मैंने कीमा बना लिया था, बीफ का कीमा बना लिया था और करेले जो हैं फ्राई हो रहे थे जो हैं मेरी नन जो बड़ी वाली नन थे वो कर रही थी फ्राई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर टाइम की वजह से ये होता है कि बहुत लेट खाना हो जाता है और हमारे जो है गैस का भी इतना पता नहीं क्यों मसला हुआ हुआ इतनी गर्मी में। सो यहाँ पे जी करेले फ्राई हो रहे हैं और ये देखें हसन, इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ इसकी जो न्यू कटिंग हुई है। और ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था, इसमें बटन भी खोले हुए थे। और ये कुर्ता हमने जो है छोटी ईद पर लिया था लेकिन अब मतलब इसको फाइनल वो हुआ हुआ है क्योंकि इसके बाद ज़्यादा फिटिंग में हो जाएगा तो ये नहीं पहन सकेगा। अभी जी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और आज है 9 मुहर्रम। और ये था कि डॉक्टर का पूछ लिया था कि वो हैं क्योंकि मुझे बहुत शदीद वीकनेस हुई हुई है और इतना कोई काफ़ी टाइम से जो है जाने का मैं कह रही थी लेकिन नहीं जा सके थे। और ये देखें मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन इतनी हब्स और इतनी मतलब वो हुई हुई है कि गर्मी। और ये देखें सारा जो हमारे आर्मी एरिया है। और यहाँ पर जी मैंने लिया था जूस लैंड से पीच का जूस और हसन को माशाल्लाह बहुत पसंद है ये, मतलब अब हर चीज़ इसको होता है कि खा लेते हैं माशाल्लाह। सो ये कह रहा था कि पार्क जाना है, सो पास ही पार्क था तो मैंने सोचा कि इसको पार्क भी ले जाते हैं, बस थोड़ा सा घुमा के ले आएंगे। बचालो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी आज का व्लॉग जो है मैंने कल से ही स्टार्ट कर लिया था और कल जो है 9 मुहर्रम था और मैं गई थी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए। और डॉक्टर ने यही कहा कि मतलब वीकनेस जो है, मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे जो ब्लड के, ब्लड CP और इसके अलावा जो है HP लेवल का जो होता है वो चेक करने के लिए, और इसके अलावा जो है विटामिन डी का, तो वो बिल्कुल सही थे। तो मतलब ब्लड थोड़ा सा कम है। सो डॉक्टर ने कहा कि अपनी जो है खुराक सही करें और इसके अलावा जो है फ्रूट्स वगैरह खाएं, दूध पिएं, और इस तरह से ही मतलब आपकी जो वीकनेस है वो ख़त्म होगी क्योंकि आपकी जो है डाइट अच्छी नहीं है तो वो अपनी सही करें। सो उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे हसन को लेके, बस पास ही पार्क था तो वहाँ पे चले गए थे थोड़ी देर के लिए और वहाँ पे थोड़ा सा घूमा था। और फिर उसके बाद जो कल 9 मुहर्रम था लेकिन मतलब ये था कि डॉक्टर थी। और इसके अलावा जी आज जो है 10 मुहर्रम है और आज जो है
मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। आंटी ने कहा मतलब बांटना है तो इसलिए जो है पुलाव बनाएंगे, चिकन पुलाव, और वो बांटने के लिए बना रहे हैं। सो इसलिए जो है, और मैं और करी जा रही हूँ, और मैं जो है आके ड्राइंग रूम में व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो ये होता है कि मतलब उधर हों तो मतलब सारे होते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि आप मतलब अब क्या मोबाइल के साथ बोल रहे हैं। सो इसलिए जो है मैं ड्राइंग रूम में आके व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो अभी जो है बनाएंगे चावल, और वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो एक ही मेरी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ 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 जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जो है मेरा चैनल ग्रो करे। और रैंडम वीडियोस हैं, आई नो मतलब घर की ही रूटीन है तो वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाहर चली जाती हूँ तो वो थोड़ा बहुत ही हो जाता है कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन मतलब ऑब्वियसली बात है, एक हाउस वाइफ होना और घर में बच्चा एंड ऑल, सो वही बंदा रूटीन शेयर कर सकता है। सो इसी पर गुजारा करें। जब बंदा बाहर जाता है तो बाहर की ही शेयर कर लेता होता है। सो कितनी मेरी डबल चिन आ रही है। एनी हाउ, और मौसम जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, बारिशें तो हो रही हैं लेकिन मानसून में आपको पता है कि कितनी वो एक अजीब सी गर्मी होती है। सो ये हिजाब जो है काफ़ी जो पुराना मैंने निकाल के पहना है, और ये मेरी शादी से पहले के मैंने जो लिए हुए थे हिजाब, जब मैं मतलब ऑफिस वगैरह जाती थी, अबाया करती थी और अभी भी करती हूँ, लेकिन मतलब अब इस तरह हिजाब वगैरह जो है वो मैंने रखे हुए हैं इस तरह के हिजाब्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इससे ये होता है कि आपको तो कुछ भी नहीं जाता, आपने सिर्फ एक क्लिक करना होता है, लाइक पे भी क्लिक करना होता है और सब्सक्राइब भी क्लिक करना होता है। सो ये होता है कि दूसरे बंदे का मतलब ऑब्वियसली बात है, आप चैनल बनाया हुआ है, इतना मेहनत कर रहे हो तो उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बहुतों की बातें, और अभी किचन में जाती हूँ और आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ, खाना बनाना एंड ऑल्सो। और इसके अलावा बहुत सारी दुआओं में याद रखें बहुत ज़्यादा अबाउट माई हेल्थ, मेरी सेहत के लिए, कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे दे। और बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई हुई है क्योंकि बोन्स में जो है सर्वाइकल वो वाला तो इशू है ही है, लेकिन पूरा जो है बैक बोन वो मेरा वो पेन कर रही है। सो चलते हैं किचन में और खाना बनाते हैं। सो जी, यहाँ पे 10 मुहर्रम था और यहाँ पे जो है आंटी ने कहा था कि पुलाव बनाते हैं और बांटने के लिए, सो इसलिए जो है मैं बना रही थी पुलाव। चावल जो है बॉईल कर लिए थे, 2 किलो चावल थे, 2 किलो चिकन था, सो वो बॉईल कर लिए थे, और बॉईल कह रही हूँ भगो दिए थे, दिमाग फिरा हुआ सही गर्मी में। और इसके अलावा जो है ये ग्रेवी बन रही है, और उसके बाद जो है चावल बनाएंगे पुलाव। और ये होता है कि गर्मी में बंदे का ऐसे ही दिमाग फिर होता है, और अभी जो है पंखा बंद करके जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो और ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए दिमाग थोड़ा फिरा हुआ है। सो ये हमारे जो हैं चावल जो हैं दम के लिए थोड़ा रेडी हो चुके हैं, और उसके बाद जो है सारी प्लेट्स में डाल के जो है हम मतलब नेबर्स वगैरह जो भी हैं वो दें, जहाँ देना होगा आंटी बोलेंगी। सो इसके ऊपर जो है मैंने कलर डाल दिया था, और अभी जो है सारे बांटेंगे। और ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, मुहर्रम का व्लॉग था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।